हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर टू कॉमर्स में नेक्स्ट सीरीज कंसेप्ट क्लैरिटी के नाम पर, दिस इज पार्ट नंबर 4। तो ये सीरीज हम अल्टरनेट डेज पे डाल रहे हैं, सो स्टे इन टच विद अस। अगर आप कमिंग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं 22 की, तो आपको इन वीडियो से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप इनको लगातार देखते रहें, चैनल को विजिट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इसमें अंदर टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कोरिलेशन। लास्ट सीरीज के अंदर भी मैंने कोरिलेशन की बात की थी, उसको फर्दर हम थोड़ा और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वो पढ़ते हैं। आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कि जो हमारा आर है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो है इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। अब चॉइस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो क्या है, मान लीजिए ये एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल दिए गए हैं, इनमें कुछ आइटम्स आपको दी गई हैं। अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है, क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू नॉन जीरो, यानी जीरो को छोड़ के कुछ भी, 1, 2, 3 वट एवर इट इज, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो आर के आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ के देखते हैं इसको हम। आर इज इनडिपेंडेंट मींस वैल्यू ऑफ आर इज नॉट अफेक्टेड इवन इफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज इंक्रीज और डिक्रीज। इसको बोलते हैं ओरिजिन में चेंज करना। सेकेंड आती है स्केल में चेंज करना। स्केल में चेंज करने का मतलब यहां पर क्या होता है कि अगर दिए गए वेरिएबल के अंदर x और y के अंदर, जैसे मैंने अभी लिया, कोई भी वैल्यू, ये वेरिएबल दिए गए हैं, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाइड और डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड आप करेंगे, अगेन r विल रिमेन कॉन्स्टेंट। r के स्टेटस पे, r के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम दोनों वेरिएबल्स के अंदर किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, चॉइस ऑफ स्केल। तो सिंपली मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हो तो चेंज इन ओरिजिन है, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो चेंज इन स्केल है, बट दोनों केस में आर इज इनडिपेंडेंट, आर को फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड, एक और आर की ब्यूटी है, प्रॉपर्टी है, वो ये, इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मान लीजिए x की वैल्यू दे रखी है आपको हाइट, वो है इंचेस में, y दे रखा है वेट, वो है किलोग्राम्स में, तो भी r आपका आंसर ठीक आएगा, क्योंकि r को फर्क नहीं, क्योंकि जो r आएगा ना तो वो इंचेस में आएगा ना किलोग्राम में आएगा, इट इज इनडिपेंडेंट। ठीक है, तो r को हम कह सकते हैं इट्स ए प्योर नंबर एंड इनडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी x और y दोनों के वेरिएबल में, एक वेरिएबल किलोग्राम में है, एक लीटर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, r का जो वैल्यू आएगा इट्स ए प्योर नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आर की जो वैल्यू आएगी इट विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम -1 to +1, इट कैन नॉट बी इंक्रीज देन 1। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। ऐसे ही जो, अगर हम आर की वैल्यू की बात करते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जो आपका रिग्रेशन, तो रिग्रेशन के जो दो कॉफिशियंट होते हैं, अगर मैं रिग्रेशन लाइन बना रहा हूं एक्स ऑन वाई, तो उसके कॉफिशियंट को बोलते हैं बी एक्स वाई। अगर मैं बना रहा हूं y on x रिग्रेशन लाइन, उसके कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, byx। तो r इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन किसका, ये बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का, ये आपको दे रखा है। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कोरिलेशन की, किसकी, r की। अब एक और बात, कोरिलेशन की प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, वो है कोवेरियंस की। तो पहली बात, कोरिलेशन क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की बात करता है, वेरिएंस होता है विचरण, दूरी की बात करता है, दो वेरिएबल का उनके मीन के साथ ये आपस में कितना गैप है उसको क्या बोलते हैं, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस की प्रॉपर्टीज भी नेट के एग्जाम में आती हैं, और इनमें जो डिफरेंस है वो आपको पकड़ना है। पहली बात, इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, यानी जो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी थी वही कोवेरियंस की है, कि ये भी ओरिजिन से इनडिपेंडेंट है। यानी x और y दिए गए वेरिएबल में आप कुछ प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, तो कोवेरियंस का आंसर सेम आएगा, बट इट इज नॉट इनडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ स्केल। यानी अगर आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, किसका, कोवेरियंस का। r में नहीं था ऐसा, r इज इनडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन और इन टर्म्स ऑफ स्केल, दोनों में चेंज कर दो चलेगा, बट
कोवेरियंस में आप सिर्फ ओरिजिन में चेंज कर सकते हो, स्केल में चेंज अलाउड नहीं है, यानी आंसर आपका डिफर होगा। थर्ड, आर की जो प्रॉपर्टी थी कि आर की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच वेरी करती है, इसकी वैल्यू जो है कोवेरियंस की वो नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। सो कोवेरियंस में भी पॉजिटिव, कोवेरियंस में भी नेगेटिव, कोवेरियंस में भी जीरो आल्सो, ये आपकी कोवेरियंस की प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कोरिलेशन की और कोवेरियंस की। इनको लेके कोई भी फर्दर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एंड इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो वो टच में रहें आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।